जनपद संभल की चंदौसी में 35 फीट रेलवे फाटक पर ऊना हिमाचल एक्सप्रेस द्वारा एक महिला और एक बच्चे की गाड़ी से जो घटना हुई थी, इस दौरान महिला को CHC ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और बच्चे को मुरादाबाद अस्पताल रेफर कर दिया। यह पूरी घटना GRP रेलवे स्टेशन चंदौसी की है, जिसके बारे में थाना अध्यक्ष शेरपाल सिंह द्वारा बताया गया कि महिला की पहचान कराई जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वरुण अरोड़ा के साथ शिवा सक्सेना की रिपोर्ट। मेरा नाम शेरपाल सिंह है, मैं थाना अध्यक्ष GRP चंदौसी हूँ। सर, जो आज ये घटना है रेलवे स्टेशन के हुई थी 35 फीट फाटक पर, उस संबंध में सर कुछ बताएंगे सर? हाँ, एक फाटक है इधर बरेली लाइन पे, यहाँ से करीब 400 मीटर, फाटक नंबर 35B, वहाँ पर कोणागिरी एक्सप्रेस गुजर रही थी। उसी समय एक महिला उसकी चपेट में आ गई। चपेट में आ जाने से उसके गंभीर चोटें आईं और उसके साथ एक बच्चा भी था लगभग 7 वर्ष का, उसके भी चोटें आईं। महिला प्लस बच्चे को, दोनों को CHC चंदौसी भिजवाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया है। उसका मुरादाबाद इलाज चल रहा है। सर, बच्चा जो मुरादाबाद भेजा गया, सर अपना भी कोई जवानी का जानकारी क्या हुआ है? मैंने एक हेड कांस्टेबल को भेजा है और एक RPF से एक कांस्टेबल को भेजा है। दो लोग वहाँ पर उसकी निगरानी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। लेकिन सर अभी पता नहीं चल पाया महिला कौन थी सर? नहीं, उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ज्ञात कर लेंगे कौन महिला है, कहाँ उसका किससे संबंध है, कहाँ से बिलोंग करती है, ये सब जानकारी हो जाएगी और शीघ्र ही पता लग जाएगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।